खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कोलकाता में इस समय दुर्गा उत्सव की धूम है। अलग अलग तरीकों से माँ दुर्गा के पंडाल को सजाया गया है और दरअसल कोलकाता में हम आपको स्वर्ण मंदिर के दर्शन कराते हैं। जी हाँ, इस समय जिस पंडाल के बाहर हम मौजूद हैं, इसको स्वर्ण मंदिर की थीम पर बनाया गया है। दरअसल गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस पंडाल को स्वर्ण मंदिर के तरीके से बनाया गया है, उनको समर्पित किया गया है। भवानीपुर के सुभाष उद्यान का ये पंडाल है और आपको दिखाएं कि कैसे ऊपर का जो हिस्सा है पूरी तरह से स्वर्ण रंग से बनाया गया है, जैसा कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में हम देखते हैं, और उसी तरह से नीचे का जो हिस्सा है, जिस तरह की कारीगरी वहां पर दीवारों पे की गई है, वैसी ही सफ़ेद रंग की दीवारें बनाकर उसी तरह की कारीगरी यहां पर दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें ये कुंड की, ये जो पानी आप देख रहे हैं, जो कि अमृतसर में आप जब भी स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं तो इस कुंड में अपने हाथ धोकर जरूर आशीर्वाद लेते हैं, वैसा ही यहाँ पर ये कुंड बनाया गया है, पानी बनाया गया है। और आपको बताएं, जिस तरह की मछलियाँ उस कुंड में देखने को मिलती हैं, वैसी तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पर इस पानी में भी रखी गई हैं। पूरी तरह से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर इस पंडाल को सजाया गया है और लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्वर्ण मंदिर उन्हें देखने को मिल रहा है 550वीं जयंती गुरु नानक देव की, और उसी को देखते हुए इस पूरे पंडाल को बनाया गया है। साथ ही साथ एक खास बात कि यहाँ पर रोजाना लंगर का भी आयोजन किया जाता है, जैसा कि स्वर्ण मंदिर में होता है। कैमरा पर्सन राममणि पांडे के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़ कोलकाता।